स्टार प्लस की इस एक्ट्रेस को किया जा रहा है अप्रोच बिग बॉस में एंट्री लेने के लिए। जी हाँ, कौन है ये, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वाला आपको बता दें कि बिग बॉस 16 को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई सारे प्लान्स और प्लॉटिंग हो चुकी है। क्रिएटिव टीम जो है वो मेहनत कर रही है, तो वहीं पर कई लोगों को अप्रोच अभी भी किया जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि लिस्ट अभी तक जो है वो तैयार नहीं हुई है। कम से कम 16 कंटेस्टेंट इस घर के अंदर जाने वाले हैं, जिसमें 7 से 8 कंटेस्टेंट कंफर्म हो गए हैं। जैसे कि करण पटेल का नाम कन्फर्मली सामने आ रहा है, 99% इन लोगों के नाम कंफर्म बताए जा रहे हैं, जिसमें करण पटेल है, कनिका मान है, और यहाँ पर मिस्टर फैजू है, मुनावर फारूकी है, और कई सारे कंटेस्टेंट हैं जिनका नाम कंफर्म बताया जा रहा है। सो गाइज, ऐसे में आपको बता दें कि इश्क में मरजावा 2 और साथ में कभी कभी इत्तेफाक से, जो कि सीरियल स्टार प्लस पर आ रहा है, इसकी फेम एक्ट्रेस रिया भट्टाचार्य जी को कर दिया है अप्रोच बिग बॉस 16 के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इनका जो ट्रैक है कभी कभी इत्तेफाक से, ये थोड़ा चेंज होने वाला है और उसके बाद इन्हें बिग बॉस के घर में एंट्री मिलने वाली है। और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट और कैमरा टेस्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, मेडिकल वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, देन इन्हें बिग बॉस के घर में एंट्री मिल जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बिग बॉस के लिए कितना एक्साइटेड हैं, आप रिया भट्टाचार्य जी के लिए कितना एक्साइटेड हैं, राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसी सारी खबरें ऑन टाइम।